गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था इंटीग्रेशन, सीख लिया था क्या होता है, और ये भी सीख लिया था कि दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनेट। इनडेफिनिट में ये भी बता दिया था कि वहाँ पर पता नहीं होता कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, और डेफिनेट में पता होता है कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है। तो आज हम एक दो सिंपल केसेस से डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में सीखेंगे। उम्मीद है आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे उसको सीखने में। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करना है, इंटीग्रेट करना है एक डेफिनेट बाउंड्री के अंदर, उसको बोलते हैं लिमिट्स। क्या बोलते हैं? लिमिट्स। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला एक्स स्क्वायर, 3x² को इंटीग्रेट करिए। ये तो कहानी हो गई इनडेफिनेट की। अब मुझे बता देना है कहां से कहां तक करना है। तो मैंने बोला कि 2 से लेकर 5 तक, इन जो पॉइंट्स हैं इनको हम बोलते हैं लिमिट्स। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू कोई भी हो सकती है। यहां पे 0 से 5 हो सकता था, 10 से, इसको क्या पढ़ते हैं, 2 से 5, 2 to 5 कुछ भी हो सकता था, 0 to 5 हो सकता था, -1 से हो सकता था, वो एक अलग कहानी है। अभी मैंने क्या बताया कि जैसे ही यहां पर कुछ इनको क्या बोलते हैं लिमिट्स लग जाए, तो वो इंटीग्रेशन कौन सा हो गया? डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आपको करना क्या है इस केस में, पहले तो इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेना है जैसे हम करते थे, सिर्फ क्या नहीं लगाना है, कॉन्स्टेंट नहीं लगाना है। तो हमने क्या बोला, इंटीग्रेशन करा हमने तो 3 कॉन्स्टेंट था, एज इट इज लिख लिया। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स की पावर 1 बढ़ा दी, 2 थी 1 बढ़ा दी, और उसी बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया, 3 से 3 खत्म हो गया। तो इंटीग्रेशन और लिमिट क्या चल रही है मेरी, जो लिमिट लगी है यहां पर उसको मैं बड़ा ब्रैकेट लगा के लिख देता हूं कहां से कहां तक चल रही है, 2 से 5 तक। तो मेरे पास क्या बन गया, ये एक्स क्यूब कहां से कहां तक, 2 से 5 तक। अब अगला स्टेप क्या कहता है, इस एक्स की जगह, या फिर मैं बोलूंगा जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया था, उसकी जगह एक बार अपर लिमिट रखिए, एक बार लोअर लिमिट रखिए। तो मैंने क्या बन गया, एक्स की एक बार 5 रख दिया, 5 का क्यूब -2 का क्यूब। क्या बोला, एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट रखिए, माइनस लोअर लिमिट रखिए। तो क्या लिख देते हैं, जनरली लोग याद रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, दिमाग में आ गई बात, इतनी सॉल्व कर लेंगे, 125 - 8 सॉल्व कर लिया, आपको आंसर मिल जाएगा 117, दिस इज योर आंसर। इतना सा काम है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का, कुछ समझ में लगी। एक दो और एग्जांपल करते हैं फिर खत्म करते हैं कहानी। याद क्या रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैंने बोला 2x+5 का करना है, तो आप बोलेंगे कहाँ से कहाँ तक करना है, मैंने बोला 0 से लेकर 5 तक करना है। ये लिमिट लग गई, यानी डेफिनेट हो गया, जैसे ही लिमिट देखी तो डेफिनेट हो गया। अब आपने बोला कि ठीक है सर डेफिनेट हो गया तो मैं कर लेता हूँ, आपने बोला सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2x² / 2 + 5, और क्या ये dx है? अब ये यहाँ पे फंसेंगे, 5 dx का एक बार करके दिखा देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, 5 इंटीग्रेशन के बाहर क्या बचा, dx। ये मैंने खूब बता दिया था dx का क्या होता है, x, तो क्या बन गया, 5x, तो क्या बन गया, 5x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 5 तक है, 2 से 2 कैंसिल, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट रख देंगे, अच्छा लिख लो एक बार सुंदर, x² + 5x 0 से 5, x की जगह क्या रख देंगे, 5, तो x की जगह 5 रखा पूरी इक्वेशन में, तो बन गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5
माइनस, अब लोअर लिमिट, अब एक्स की जगह क्या रखेंगे, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर, अब ये क्या फाइव इंटू जीरो हो जाएगा, आपको दिख गया होगा सब जीरो हो गया है, तो ये क्या बचा, 25 + 25 यानी कि 50 आंसर आ गया, खत्म हो गया आंसर। नोट करने वाली बात, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो वेरिएबल्स खत्म हो जाते हैं, वेरिएबल कौन था यहां पर, एक्स था, क्या आंसर में एक्स आया, नहीं आया, वेरिएबल खत्म हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब वेरिएबल क्या कर देंगे, खत्म हो जाएगा, क्लियर, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा भाई, जोड़ के 50 आया, क्लियर है। ये थी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन की छोटी सी कहानी, अगले लेक्चर मिलते हैं और हम अब फिजिक्स शुरू करते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन ऑल द बेस्ट।